सुजानपुर होली उत्सव के दौरान पुलिस की बर्बरता सामने आई है। जब एक नशेड़ी युवक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान आ धमका तो पुलिस के जवानों ने भी लात घूसों से शराबी को घसीट घसीट कर बाहर ले जाने लगी। वहीं इस दौरान कैमरामैन के द्वारा वीडियो बनाए जाने पर उल्टा कुश्ती आयोजक भड़क उठे और धमकाने पर उतारू हो गए। लेकिन हैरानी की बात रही कि पुलिस के जवान वहां पर मूक दर्शक बने रहे। उल्टा पुलिस के जवान भी आयोजकों के साथ कैमरामैन के साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो गए, जिस पर कैमरामैन बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकला। चार दिवसीय होली मेले के दौरान देर शाम के समय हुई इस घटना की प्रेस क्लब हमीरपुर ने कड़ी निंदा की है और एसपी हमीरपुर से इस तरह मीडिया को धमकाने में संलिप्त जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, होली उत्सव के दौरान पुलिस की जो कार्रवाई रही है उस पर प्रश्न चिन्ह बार बार लगा है। डे वन से ही वहां पर इस तरह से पुलिस हावी होने का प्रयास करती रही, जिससे आम आदमी तो क्या, यहां तक कि पत्रकार वर्ग जो हमारा वहां पर शूटिंग कर रहा था न्यूज़ आइटम्स के लिए और इन्हीं के कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहा था, उनके खिलाफ ही इनका व्यवहार जो था वो कुछ नाकाबिले तारीफ था। उस दिन पहले दिन एक महिला पत्रकार को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, दूसरे दिन उन्होंने वहाँ पर एक महिला पत्रकारों के साथ और अभद्र व्यवहार किया और हद तो ये हो गई कि पिछले कल जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें पुलिस के लोग एक व्यक्ति को शांत करने के बजाय उसको पीटने शुरू कर देते हैं, वो लात घूंसे मारकर उसको वहाँ से सभा स्थल से आगे पीछे लेके जा रहे हैं, तो इस तरह के घटनाक्रम ने पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं या कि वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल तैयार कर रहे हैं। और इस घटनाक्रम को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ जिस बदसलूकी के साथ वो लोग पेश आए हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ उचित एक्शन ले। तो जिलाधीश और जिला पुलिस कप्तान जी से ये हमारे अनुरोध है कि उनके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई की जाए और उसकी सूचना जो है हमें दी जाए कि उन्होंने उसमें क्या कार्रवाई की है, अन्यथा पत्रकार वर्ग मजबूर होगा उनके खिलाफ एक कार्रवाई करने के लिए, आग्रह सरकार से करने के लिए कि इस तरह का अगर उनका रवैया है तो वो क्यों है। उनसे उम्मीद है कि वो इस पर ठीक कार्रवाई करेंगे और सही समय रहते अति शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे। हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम उसमें विश्वास नहीं करते। तो जल्द से जल्द उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, कौन लोग थे, कौन धमकियां दे रहे थे, क्यों वो लात घूंसे मारे जा रहे थे उस व्यक्ति को, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न वहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो इस पर उनसे पुलिस से और प्रशासन से उचित कार्रवाई की उम्मीद करते हुए हम यही कहेंगे कि शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए और हमें सूचित किया जाए। वहीं एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीना से फोन पर बात करने पर उन्होंने भी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, जिससे इस तरह मीडिया के साथ हो रही घटनाओं पर पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालिए घेरे में है, जो कि चिंतनीय विषय है। प्रेस क्लब हमीरपुर के प्रधान दिनेश कंवर ने इस मामले पर कड़ी निंदा व्यक्त की है और कहा है कि पुलिस द्वारा होली मेले के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहा है। वहीं ताजे मामले में कैमरामैन के साथ हुई बदतमीजी और धमकियां देना निंदनीय है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन को तुरंत इन जवानों व लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा से मीडिया पर्सन के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है जिसकी हमें जानकारी मिली है। देखिए, पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, चौथा स्तंभ माना जाता है, और चौथे स्तंभ पर जो हमला हुआ है उसकी कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं और जो भी दोषी कर्मचारी हैं पुलिस के उनके खिलाफ हम मांग करते हैं कि जो पुलिस अधीक्षक हमीरपुर हैं एवं उपायुक्त हमीरपुर भी इस बात का कॉग्निजेंस लें और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि देखिए जो भी लोग इस तरह की हरकतों में संलिप्त पाए जाते हैं, पुलिस का काम सबसे बड़ा काम होता है लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि हमीरपुर की हालत जो हो गई है कानून व्यवस्था के नज़रिए से वो काफ़ी दुखद हालत में है इस वक्त हमीरपुर की। आप शाम को कोई लोग शरीफ लोग बाजार नहीं आ सकते, लोग महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है,
उसके बावजूद कितने यहाँ पे कितने बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो व्यक्ति एक अपनी ड्यूटी कर रहा है, पत्रकार भी अपनी ड्यूटी ही वहां करते हैं, तो उनके ऊपर जो हमला हुआ है और जो उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई की है, मैं समझता हूं कि बहुत ही निंदनीय है और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। Yeah.